चालू हो जाएंगे तो आप 16 अक्टूबर 2023 को 12th क्लास का सबसे बेहतरीन चैप्टर एक्सरसाइज 4.2, जिसमें टोटल क्वेश्चन एक्सरसाइज में 14 है और एग्जाम्पल भी 6 है, यानी ये 20 प्रश्न को हम लोग करेंगे और टॉपिक बहुत ही अच्छा है। उस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ हम क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज को करना है। तो अब हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं। तो नंबर 1 लिखा जाए, क्योंकि नंबर किसी प्रॉपर्टी का नहीं होता, थियोरम किसी नंबर का नहीं होती है, केवल गुण होती है। वह गुण क्या है, यह अंदर की आवाज से आपको करना है। तो अगर सब लोग की आवाज अच्छे से आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसकी डिटरमिनेंट के कारण है। अब इसकी आप ट्रांसपोज कर दें तो यहाँ ABC यानी DA और GH है। तो डिटरमिनेंट जैसे शॉर्टकट तरीका आपको बताए थे, रेड पेन का इस्तेमाल और आपने AEI लिखा, BFG लिखा और CDH लिखा। इधर से करेंगे तो -GEC होगा, -BDI होगा और -AHA होगा। अगर ये ट्रांसपोज की हम बात करें तो इसकी डिटरमिनेंट AEI। अच्छा, ट्रांसपोज नहीं किया है तो ट्रांसपोज पहले मैं कर देता हूं कि यहाँ ए होगा, यहाँ डी होगा और जी होगा। अगला हम बात करें तो यहाँ बी ई और एच होगा और यहाँ हम सी और ए आई होगा। तो अगर हम पहला बात करें तो ए ही आई तो है ही, दूसरा बात करेंगे तो CDH होगा, तीसरा बात करें तो BGF होगा और GC होगा, BDI होगा और AHF होगा। तो देखिए अंदर से आवाज आ रहा होगा कि ये दोनों तो सेम ही है सर, तो पहला प्रॉपर्टी आपका क्लियर हो गया कि जरूरत पड़ने पर ट्रांसपोज हम लोग कर सकते हैं। यानी अगर जरूरत पड़ने पर हम लोग ट्रांसपोज कर सकते हैं, ये पहली प्रॉपर्टी हुआ मिस्टर संजीव कुमार जी। स्क्रीनशॉट ले लिए या नोट कर लिए? तो जी ठीक है, ये पॉइंट लिखना जरूरी है कि आपकी रिक्वायरमेंट है प्रूव करने में, तो आप
ट्रांसपोज कर सकते हैं। आ गया संजीव। संजीव कुमार कहाँ चलिए, यानी पहला प्रॉपर्टी आप कर दिए। अब दूसरा फिर से हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर टू, राइट। एक मैट्रिक्स लीजिए, ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई। अब आप क्या करेंगे ना, आर वन को आर टू बना दिया और आर टू को आर वन बना दिया, यानी डी ई एफ ए बी सी जी एच आई है। एक काम और करो, कॉलम टू को कॉलम थ्री और कॉलम थ्री को कॉलम टू बना दो, या क्रिएटर सुपर थर्टी चैनल पर आप देख रहे हैं, मकसद एक ही, अब ए आ गया, राइट। अब पेड़ को हम चेंज करके बनावेंगे तो दर्शक को अच्छा दिखेगा। तो पहला वाले का डिटरमिनेंट निकालें, ए ई आई आया, बी एफ जी आया, सी डी एच आया, जी ए सी, बी डी आई और ए एच ए। यह बात समझ में आया? अब इससे तुम कंपेयर करोगी, इसका निकालोगी तो बी डी आई है, जी सी, ए एच ए है और बी जी एफ, ए आई और सी डी एच, राइट, ए आया। अब तुम्हारा इसका निकालोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा ए एफ, ए एफ ठीक। जी सी आएगा, बोलो, बी डी आई आएगा है, बी जी एफ होगा है, सी डी एच होगा और ए आई होगा। आपने क्या देखा कि दोनों की वैल्यू तो सेम है, लेकिन जो ये प्लस वाला है वो क्या में है, माइनस में है। यानी प्रॉपर्टी नंबर टू में हम देखेंगे दो रो ठीक या दो कॉलम को आपस इंटरचेंज करेंगे करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ठीक साइन में चेंज होगा। यह बात
प्रॉपर्टी नंबर टू समझ गए, चाहे वो बच्चा हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, या आईसीएसई बोर्ड कुछ भी हो, तो चूंकि वो प्रैक्टिकली करके देख लिया है तो उसके दिमाग में फिट हो गया है। यह बात अगर आप समझ चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब लेकिन है क्या ना कि यहां मैंने दो लिखा है, यानी इसी को अब हम रिसर्च में ले जाएंगे। बहुत आदमी लिख देते हैं कि दो रो, तो अब तो प्रश्न ये होता है कि तीनों रो अगर आपस में इंटरचेंज करेगा तब क्या होगा, बोलो करने आ गया। अब देखोगे कि इसके लिए फिर हम कलर का इस्तेमाल दूसरा करते हैं और ब्लैक करते हैं। यहां सब लोग अच्छे से देखेंगे कि पहला रो को हम दूसरे में कर दें, पहला रो क्या हम कर दें दूसरे में कर दें, तो यहाँ एबीसी आ गया, और दूसरा रो को तीसरे में कर दें तो डीएफ हो गया, और इसको हम पहला में करते हैं तो ए। यह बात आप समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। अब इसकी डिटरमिनेंट निकालेंगे ना तो बीजीए एई आई और सीडीए और बीडीआई एच एफ और डीएसटी। यह बात समझ में आया है? देखो ये तुम्हारा जब तुम 12th पढ़ रही थी, क्योंकि इसमें टीचर ट्रेनिंग से लेकर सब होता है, तो आपको ये कोई नहीं बताया होगा कि मैंने वहां पर ये कहना है कि इवन बार अगर चेंज होगा तो साइन चेंज होगा, लेकिन ऑड बार अगर चेंज होगा तो साइन चेंज नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी रिसर्च कराता है। लेकिन बुक में क्या लिखता है कि टू रो या टू कॉलम चेंज हो गया तो सस्पेंस उसके पास बना हुआ रहेगा, समझ गए? तो ये चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं समझेगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम दो काट करके अगर इवेंट टाइम्स लिख दें और यहाँ पर भी इवेंट टाइम्स लिख दें, यह प्रॉब्लम सही हो जाएगा, बोलो। क्योंकि बुक में क्या लिखा रहता है, चाहे वो किसी का बुक बोलो, चाहे आर डी शर्मा की बुक बोलो, एस के गोयल की बुक बोलो, अमित अग्रवाल की बोलो, घनश्याम तिवानी का बोलो, या किसी भी बुक का बोलो, तो यह लिखा है कि दो रो नहीं, इवेंट टाइम्स रो। अगर चेंज हुआ तो वह साइन में परिवर्तन, लेकिन अगर हाँ, दोनों दोनों दोनों, अगर इसका एक और कमांड से कर ले तो आपने अभी क्योंकि पीला पीला से यहाँ कर देते हैं, है ना? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पहले डी ई एच सी ए आई ए डी जी, तो यहाँ ये बी एफ जी आएगा, है यहाँ सी डी एच आएगा, बोलो ए ई आई आएगा, सब प्लस वाला है कि नहीं, ये माइनस वाला माइनस के साथ है कि नहीं। तो ये तुम्हारा एकदम प्रैक्टिकली नॉलेज हो गया। प्रॉपर्टी क्या होता है ना कि पूरा प्रैक्टिकली होना चाहिए, कि बाद में किसी स्टूडेंट को यह नहीं तकलीफ हो कि हमें कोई इफेक्ट हुआ, है ना? ये नहीं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी को प्रैक्टिकली कर दीजिए, फिर क्वेश्चन आएगा उसको सामना हम लोग कर लेंगे, ठीक है? संजीव कुमार की आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, पीला वाला दिख रहा है? हाँ हाँ सर दिख रहा है। लाल वाला है? हाँ सर, व्हाइट वाला?
नहीं दिख रहा। चलो ठीक है, नहीं तुम नींद में नहीं हो, नहीं तो आदमी बोलता व्हाइट हो दिख रहा। चलो ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर हम 3 की बात करते हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे पीला लेकिन ठीक नहीं दिखता है, रेड ही ठीक है। हमारे आराध्य देव बजरंग बली जी। अब यहां पर तुम देखो, यहाँ 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, यहाँ 5 रख दिया, यहाँ यहाँ साढ़े 7 रख दिया और यहाँ 10 रख दिया और यहाँ 1 रख दिया, 2 रख दिया। यहाँ पर 1 2 3 रखा, फिर 1 2 3 रखा और 3 4 5 यहाँ पर 5 6 7 रखा, 4 3 2 9 9। फिर यहाँ 0 0 और 2 3 4 5 6 7 7 3 2 5 6। सेवन 32 यहां पर देखो कि पहला का हम डिटरमिनेंट निकाल, तो 7.5 गुना 15 दिया 45, है 10 दिया 30। अरे यही कॉन्फिडेंस मिलाना है, 500 को 20 दिया, 20 गुना 40। अब यहां पर इसको हल करोगी तो 30 और 10 चौक 40 और 45, यानी डिटरमिनेंट 0 हो है। यानी ये देख रही हो, 2 आ रही है 5, 3 आ रही है 7.5, 4 आ रही है 10। यानी यहां पर तुम कह सकते हो कि रेशियो क्या है, सेम रेशियो क्या है, सेम है। आ रहा हूं, यहां पर भी रेशियो सेम है और आपस में इक्वल है, आइडेंटिकल है, यानी इसका भी 0 आएगा। तो 5 गुना 10 18 और ये 12, 3 गुना 6 3 18, 4 3 12 और 5 गुना 12। क्लियर है। यहां पर इसको हम लोग हल करेंगे, देखो ये दोनों का सम के बराबर है, यानी 2 रो अगर तीसरे रो का बराबर हो जाए तो यही वेक्टर में भी बना है। वेक्टर में अगर हम को प्लानर होने के लिए यहाँ पर यही इस्तेमाल करेंगे कि सी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा ए वेक्टर म्यू बी वेक्टर हो, तो यह तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, को प्लानर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग हल करेंगे तो 5 3 15 9 35 से 135 और 6 2 12 9 78 से 108 और 7 4 28 है, 28 गुने 9।
इसका हम लोग करेंगे 27 x 21 = 9 हो जाएगा, बात समझ रहे हो? 9 × 2 = 18, 5 × 9 = 90 हो जाएगा, और 9 × 4 = 36, और 36 × 6 इक्कट पुट्टी, ये भी 0 आ गया। यहाँ एक रो 0 होने से इसका तो 0 है ही, कहिए 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। यहाँ गौर से ही देखो, अगर इसमें हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए और इसके साथ जोड़ दिया जाए, इसका इक्वल हो गया जो इसका इस्तेमाल हम कर रहे थे, यानी यह जो वैल्यू है इसके 9 टाइम्स और इसके 1 टाइम्स दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, यानी यह प्रॉपर्टी तुम समझ गए, कोई दिक्कत कि नहीं समझ, समझ गया? यानी यहां पर तुम कह सकते हो कि यह बात समझने में कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रॉपर्टी का मेन खेला है, ठीक है? अब हम ब्लू पेन से इस्तेमाल करें तो तुम इसको ऐसा कह सकते हो कि इसमें से अगर हम 5 2/5 से मल्टीप्लाई कर, क्या से मल्टीप्लाई कर दे, R2 को हम 2/5 से मल्टीप्लाई कर दें, 2/5 से, तो 5 से 5 कटेगा तो इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ 5 इसको काट देगा, 15 बार, कितना बार में काटेगा, 15 बार में काटेगा, 1.5 बार में, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। नो, R2 tends to 2/5 R2, ठीक है? अब यहां पर तुम्हारा जो है तब R1 = R2 आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक? तो ये 2/5 से जो मल्टीप्लाई करोगी तो यहां पर तुमको 5/5 इसको बैलेंस करने के लिए, क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो बात सेम हो जाएगा, नहीं समझे? जैसे तुम मल्टीप्लाई किया ये डिवाइड कर दिया तो बात तो एक आ गया, समझ में आया? यानी यहाँ पर तुम जब ऑपरेशन करोगी तो जैसे ही लिखोगे कि R2 tends to 2/5 R2, तो डिटरमिनेंट में तुम्हारे पास 5/2 से मल्टीप्लाई करना, कोई दिक्कत? अब चूंकि हमारा मकसद था ये दोनों को आइडेंटिकल करना, कर दिए, बस समझ में आए, यहाँ आइडेंटिकल था ही। ये वाला में क्या हम लोग किया कि ये दोनों को जोड़ने से इक्वल हो गया ये, यानी जरूरत पड़ने पर तुम कह सकते हो कि R3 tends to, है ना, R1 + R2 हम कर दें तो R3 का इक्वल हो जाएगा, बोलो आ रहा है समझे? यानी यहाँ पर हम जोड़े हैं तो चूंकि एक्स्ट्रा कुछ नहीं किए हैं, वही वाला चीज को किए हैं, जब एक्स्ट्रा करेंगे अगर किसी में अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ गए? अगर हम वो दो रो को हम जोड़े हैं तो उससे कोई इफेक्ट है नहीं, अब ये वाला में तो आइडेंटिकल था ही, ये वाला में अगर तुमको इसका अगर हम बारे में कहें कि R3 जो है वह इक्वल है R1 को 9 से मल्टीप्लाई करें, बोलो, प्लस आ रहा है R2 को 1 से करें तो R3 का इक्वल है, और दो डेटा जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होता है तो डिटरमिनेंट उसका 0 होता है, यह बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ तुम 9 से मल्टीप्लाई की थी तो यहाँ तुमको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई की थी तो 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, और चूंकि डिटरमिनेंट की ये वाला वैल्यू 0 आ गई तो ये वाला कुछों से मल्टीप्लाई करो या कुछ भी से डिवाइड करो तो उसका कोई होने वाला नहीं है, तो रियल में थ्योरी आपका 3 ही, समझ गए ना? ऐसे बुक वाला यहाँ तक, कोई बुक वाला 7 नियम, कोई बुक वाला 11 नियम, कोई 13 नियम, कोई 15 नियम, ऐसे दे दो।
मल्टीप्लाई करते हैं उसको डिवाइड करो। अभी हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बना 5 by 2 बनी होगा। तो 5/2 से उसको कर देंगे। ठीक है, आ रहा, समझ में आया। यही मेन है पिछली। अब तुम्हारे पास जो है एक्सरसाइज की जब क्वेश्चन करोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। अब तुम बताओ कि पहले एक नंबर से करना चाहोगे या लास्ट से करना चाहोगे। तो तुमको जैसे मन है वैसे कर सकते हो, तुम्हारा दिमाग में फिट हो जाएगा, समझ गए। तो एक बार हम बनवा देते हैं लाइन वाले, ठीक है, ये आगे करने। तो चलिए हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज खोला जाए 4.2। लाइन बाय लाइन हम थोड़ा सा स्पीड में बनवा देते हैं, और सभी स्टूडेंट को फिर मैं सलाह दूंगा कि इसको जो है आप कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी जरूरत है, और फर्स्ट क्वेश्चन आपका पास है एक्स ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी और जेड, यहाँ सी और जेड प्लस डी। तो अब देखो यहाँ पर देखो, ये दोनों का सम यहाँ है कि नहीं है, यानी इसको तुम लिख सकते हो एक्स वाई जेड। यहाँ देखो ए बी सी, एक बार एक्स वाई जेड, अब फिर प्लस, अब इसके साथ करोगे एक्स वाई जेड ए बी सी ए बी सी। देखो अंदर की आत्मा की आवाज आएगा, हाँ ये दोनों आइडेंटिकल है तो जीरो हो गया, और ये दोनों भी आइडेंटिकल है इसलिए जीरो हो गया, इसलिए रिजल्ट इसका क्या हो गया, जीरो। अब समझ में आया। यानी हम थोड़ा सा स्पीड में बनवा देते हैं कि हमारा ये वीडियो वाला कार्यक्रम भी हो जाए, क्योंकि 14 ये सब क्वेश्चन बना देंगे तभी कोई हमारा वीडियो देखेगा। क्यों देखेगा वीडियो हमारा, क्यों देखेगा, देखेगा तब जब उसको समझ में आएगा, तब ये आगे करने के लिए आ गया। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करेंगे, ए माइनस बी या बी माइनस सी, सी माइनस ए बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अगर देखो तीनों को जोड़ दिया जाए, तीनों को क्या कर दिया जाए, तो बी से बी सब कट जाएगा, तो एक आ जाएगा, जीरो जीरो आ जाएगा, बोलो यस और नो। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि कॉलम 1 टेंस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 है। तो अब यहाँ पर ए से कट जाएगा, बी बी से कट जाएगा, बात समझ रहे हो, बाकी सब डिटो उतार देंगे। मेरी बात समझने का प्रयास किया जाए। ये चैनल क्रिएटर सुपर 30 है आया। या दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 भी कर सकते हैं, तो जोड़ेंगे तो ऊपर जीरो जीरो हो जाएगा। यानी सोल्यूशन कभी किसी को अगर देखना रहेगा तो इस वीडियो को आप देख लें, आपकी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अरे वाह, ये आ गया करने। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की हम बात करें, तो 3 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे पास कह रहा है कि 2, 3, 5 है और 7, 8, 9 है, 65, 75, 86 है। गौर से देखो, क्योंकि थोड़ा सा हमको वहां प्रेशर आ गया है टाइम को वेस्ट कर रहे हुए। यहाँ इसको 9 से गुना कर दें तो 9 से 63 62 65 हो रहा है, 98 72 75 हो रहा है, 99 81 586 हो रहा है, हो रहा है ना। यानी इसको 9 से गुना कर करके, इसको 9 से गुना कर करके इसको जोड़ेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। या ऐसा कर सकते हैं कि इसको इसको ऐसे भी एक्सपेंड करवा दे देंगे ना कि 2, 3, 5 हो जाए और 7, 8, 9 हो जाए, और इसको हम कह दें कि 63 प्लस 2 लिखा हुआ है, तो ठीक है बोलो। तो एक बार इसके साथ कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 8, 9, 63, 72, 81, और एक बार इसके साथ कर दे तो 7, 8, 9 और यहाँ पर 2, 3, 5।
क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, आ रहा है सब लोगों को समझ में कि नहीं आ रहा है? 1 1 1 है, यहाँ BC है और CA है, AB है, इसको हल करेंगे तो AB AC आ जाएगा, फिर यहाँ पर BC और BA आ जाएगा, और यहाँ CA और CB आ जाएगा। यह बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। अब हम तीनों को अगर जोड़ दें यहां पर, है ना, तो ये 1 1 1 1 रहने दीजिए, BC BC और CA AB रहने दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आएगा AB+BC+CA, अब फिर AB+BC+CA है, यहां पर भी AB+BC+CA। अब AB+BC+CA कॉमन ले लीजिए, AB+BC+CA कॉमन ले लिए, तो ये 1 1 1 तो पहले से था, BC CA AB भी, ये 1 1। अब देखिए एक कॉलम दोनों का आइडेंटिकल हो गया, इसलिए डिटरमिनेंट क्या हो गया, जी। तो हम लोग ये क्रिएटर सुपर 30 चैनल पर देख रहे हैं, आरएसएम में एक बार आप देख लीजिए इस चीज को, और एक बार आप लोग को अपने से करना पड़ता है, थोड़ी सी समय हो सकता है कि ज्यादा लग जाए, तो हम लोग दोबारा वीडियो को एक बार इसको फिर से करेंगे, क्योंकि आपको सीखना है और मुझे सिखाना है, और जूम वाले भाई साहब 40 मिनट का ही मोहलत देते हैं, और यहाँ पर हम लोग को सीखना जरूरी, हमको लाना है 2 A P X और BQY CRJ, ये लाना है ना। अब देखो गौर से कि अगर तुम जोड़ते हो, क्या करते हो, जोड़ोगे तो 2 को B हो जाएगा, 2 को C हो जाएगा, 2 को A हो जाएगा, यह बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी जो भी होगा वो 2 2 हो जाएगा, बोलो। तो यहां अगर हम जोड़ते हैं ना, तो 2 को हम बाहर ही निकाल देते हैं जोड़ करके, तो यहाँ A+B+C हो जाएगा, बोलो, यहाँ पर P+Q+R हो जाएगा, और यहाँ X+Y+Z, बात समझ गया? मतलब हम आपको किए कहना कि R1 tends to R1+R2+R3, ठीक। अब तुम्हारे पास क्या हो गया ना कि C+A है, R+B है, Z+X है, A+B है, P+Q है, और X+Y, ये 2 रहने दो। अब इसमें से ये वाला घटा दोगी, ये वाला है, तो ऊपर ये आ जाएगा, बोलो, एंड सी आ जाएगा, ये तो हमको ये लाना है, क्या लाना है, तो ये लाना है, ये अभी रहने देते हैं, इस पे पहले इसका ला देते हैं ना, इसमें से ये घटा देते हैं पहले, बोलो भाई, तो ये वाला घटा देंगे तो B आ जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो C आ जाएगा, बोलो, और फिर दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे तो ऊपर ए आ जाएगा। यह काम आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर आपने कर दिया कॉलम 1 टेंस टू कॉलम 1+कॉलम 2+कॉलम 3, तो यह क्रिया कर सकते हैं, बोलो, ये कॉलम वाइज भी आप, तो रो वाइज ही कर लेना है, तुमको आंसर आ जाएगा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन समझ गए हैं? अब तुम्हारे पास आया समझ में, नहीं आया, कर देते हैं पढ़ दो बुनियाद। तो यहाँ पर 2 का 2 रह जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ A+B+C हो जाएगा, यहाँ PQ+R हो जाएगा, और X+Y+Z हो जाएगा, यहाँ घट के B आ जाएगा, यहाँ पर आपका तुमको Q आ जाएगा, और यहाँ तुमको Y आ जाएगा, यहाँ C आ जाएगा, यहाँ R आ जाएगा, यहाँ Z आ जाएगा। अगर A में से ये दोनों को जोड़ के घटा दिया जाए तो आगे की नक्शा हमारा कंप्लीट, समझ गए, तो ये तुम्हारा आ जाएगा, तो दिक्कत। अब तुम्हारे पास क्या है ना,
क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ये तुम्हारे पास जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी और बी सी जीरो है। तो यहाँ तो डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, यही जीरो जीरो तो मैक्सिमम जीरो है तो जीरो हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन और एक छोटा सा लेंगे हम ब्रेक, तो अगले ट्रिप में हम आपको सिखा देंगे वो भी बात। ए स्क्वायर यहाँ ए भी है, ए सी है, यहाँ बी ए है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी सी है, यहाँ सी ए है, यहाँ सी बी है, माइनस सी स्क्वायर। गौर से देख, क्योंकि इसमें से ए कॉमन लिया जा सकता है, ले लिए है, और इधर से भी ए कॉमन लिया जा सकता है, ये इधर से लिया कॉमन, ये इधर से भी कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो तुम क्या पाओगी यहां पर, तुम -1 पाओगी है, पाओगे ठीक है। अब गौर से देखना कि इसमें से भी बी कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी बी कॉमन ले सकते हैं, तो यानी बी स्क्वायर कॉमन आपने ले लिया, तो यहां पर आप 1 पाएंगे, यहां -1 पाएंगे, यहाँ 1 पाएंगे है? अब सी इससे भी ले सकते हैं कॉमन, सी इससे भी कॉमन ले सकते हैं, तो सी स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ 1 पाएंगे, यहाँ भी 1 पाएंगे और यहाँ -1 पाएंगे, पाएंगे यानी फाइनल तुम्हारे पास होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। अब इसकी डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो ये -1 हो जाएगा, ये वाला +1 हो जाएगा, ये वाला भी +1 हो जाएगा, मेरी बात समझ रहे, ये वाला हमारा जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी वाला प्लस हो जाएगा और ये भी वाला प्लस हो जाएगा, इससे कट जाएगा है, 1 2 3 4 बचा, यानी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, समझ गए है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? तो अब हम लोग को लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं अगले वीडियो में। संजीव कुमार जी ऑफ कीजिए और दोबारा जोड़िए।